आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का नूडल्स। ये नूडल्स बहुत टेस्टी और चटपटे मज़ेदार नूडल्स बनकर तैयार होते हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं। सबसे पहले हम नूडल्स उबलने रखेंगे। एक जग पानी डाल रही हूँ मैं, 1 लीटर के करीब पानी रहेगा, थोड़ा ज़्यादा भी डलेगा तो चलेगा। 1 चम्मच भर के नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच ऑयल हमने इसलिए डाला है कि नूडल्स आपस में चिपके नहीं, और 2 पैकेट हमें नूडल्स के लिए हैं। पानी में भी थोड़े से बुलबुले आने लगे हैं, पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स को हमने 6-7 मिनट पका लिया है, नूडल्स हमारे गल गए हैं, मैंने इसे तोड़ के देखा है, ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा कड़क रहना चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें ठंडा पानी डालेंगे, मैं 1 जग ठंडा पानी डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे छान देंगे, इसे मैंने 1 छन्नी के अंदर छान लिया है। छन्नी से निकाल के इसको बड़ी प्लेट में फैला के रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। टमाटो केचप हमने लिया है 3 चम्मच भर के, विनीगर 1/2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, ग्रीन चिल्ली सॉस 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च, लहसुन चॉप किया हुआ बारीक 2 चम्मच भर के, रेड चिल्ली सॉस 2 चम्मच, शेजवान चटनी 2 चम्मच भर के। ये चिकन टिक्का मैंने पहले से बना के रखा है, मैंने 1/2 किलो बोनलेस का बनाया है। इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। सब्जियों में हमने ली है पत्ता गोभी 1 मुट्ठी भर के बारीक कटी हुई, 1 छोटी गाजर बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च कटी हुई बारीक। अब हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे और लहसुन को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकालना है। अगर आपको अदरक पसंद है अदरक डाल लें। अब सब्जियाँ डाल देंगे इसके अंदर, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, तीनों सब्जियाँ डाल देंगे। अगर आपके पास हरी प्याज है तो हरी प्याज भी डाल दें। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। टिक्का नूडल्स में कुछ लोग सब्जियां डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन नूडल्स खाने में जब भी मज़ा आता है जब उसमें सब्जियां पड़ी हूँ, इसलिए मैं सब्जियां डाल रही हूँ। सब्जियां हमारी भून चुकी हैं लगभग, हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें सॉस डाल देंगे। सबसे पहले हम सोया सॉस डालेंगे, 2 चम्मच सोया सॉस, टमाटो केचप, चिल्ली सॉस, शेजवान चटनी, रेड चिल्ली सॉस मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स हो चुका है, एक मिनट तक हम पकाएंगे, उसके बाद नूडल्स डाल देंगे। बस ये पक चुका है, अब उसमें नूडल्स डाल देंगे, ज़्यादा सब्जियां हमें नहीं गलाना है। ये नूडल्स डाल दिए मैंने, मैं अभी 1/2 नूडल्स डाल रही हूँ, मैंने 2 पैकेट नूडल्स उबाले थे। दो चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये इस तरीके से मिक्स कर दें। ये नूडल्स हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और सिरका। सिरका मैंने कम डाला है क्योंकि हमारा तिक्का भी थोड़ा खट्टा है, उसमें भी हमने नींबू डाला है। अब तिक्के की बोटी हम डाल देंगे, करीब 3-4 बोटी हमने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं और उसको डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये नूडल्स बनकर हमारे रेडी है। चिकन टिक्का आप अपनी पसंद से डाल लें, जैसा आपको पसंद है। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। मैंने 4-5 बोटी डाली हैं और बाकी का मैंने साइड में रख दिया है अभी। अब मैं इन नूडल्स को निकाल लूँगी एक डिश के अंदर। आप देख सकते हैं कितने कलरफुल और टेस्टी नूडल्स बने हैं। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे बचे हुए टिक्के से। इस चारों तरफ से हमने इसको सजा दिया है। चिकन टिक्का नूडल्स बनकर हमारे रेडी हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।